हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज हशम सर और आज आपको एक क्वेश्चन पढ़ना है जो क्वेश्चन 8 मार्क्स का होगा। बोर्ड अगर 8 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है तो वो किस तरह के क्वेश्चंस इस चैप्टर से, यानी रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर से, किस तरह के क्वेश्चन 8 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है, लगातार मैं क्लासेस में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी होने वाली है कि आज मैं आपको बताऊँगा एक क्वेश्चन जहाँ पर बोर्ड आपसे पूछ सकता है। आपको बनाना होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स लोन अकाउंट भी। पार्टनर्स लोन अकाउंट आपके लिए बिल्कुल नई चीज़ होगी जिसे आपको बहुत अच्छे से समझना है। कुछ चीज़ें सिलेबस में आपके इस बार नहीं हैं, डिलीट हो गई हैं। जो 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ था उसमें कुछ चीज़ें डिलीट हो गई हैं, बट इट डजेंट मीन कि आपको वो चीज़ें बिल्कुल छोड़ देनी है। आप समझ रहे होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको वो चीज़ें भी पढ़नी है। कम से कम थोड़ा बहुत जानते रहिए ताकि आगे की क्लासेस में आपको हर चीज़ समझ में आए और आप के सामने जब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप उनको सॉल्व कर पाएं। तो आज का क्वेश्चन जो है वो एक 8 मार्क्स क्वेश्चन है जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स लोन अकाउंट पूछा गया है। तो हम क्वेश्चन आपको दिखाएं, उससे भी पहले मेरी रिक्वेस्ट, आप समझिए या आप कुछ भी समझिए, आप जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल जाया करें। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जरूरत यह है कि आप 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर देखिए। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख लीजिए, उसके बाद मैं समझाता हूँ क्या गिवन है। चलिए, उम्मीद करता हूँ अब तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए बात करेंगे क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ समझा दिया है बच्चों कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को कहा गया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को कहा गया है, साथ ही साथ पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले हमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। गिवन में मैंने उन चीज़ों को, वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख दी है जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में मुझे ज़रूरत बनाने के लिए पड़ेगी, इसलिए आप सारे स्टेप्स को फॉलो करते रहेंगे और ये जो गिवन लिखा है इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। गिवन में क्या लिखा हुआ है देखिए, इस क्वेश्चन में जो गिवन है इसमें लिखा हुआ है ललित, मधुर और नीना, देयर आर 3 पार्टनर्स, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कहा गया 50%, 30% और 20%, इसका मतलब 5:3:2, इसको आप कर सकते हैं 0, सारे कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद गुडविल जो वैल्यूड हुई है, यहाँ पर अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी रिवैल्यूएशन में, इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद अगले पे चलते हैं। देखिए अगला क्या है, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। देखिए क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन तो दिया हुआ है लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो है वो नहीं गिवन है। इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा है ये आपको देना है, ये पैसा किसी को देना है, यानी आप ये समझ सकते हैं कि इंक्रीज इन लाइबिलिटी आपका हो गया है। क्या हो गया है आपका, ये है क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, तो ये आपका एक तरह से लाइबिलिटी जो है वो आपके ऊपर बढ़ गई है, तो ये आपको किसी को देना है 6000, तो आप किस तरह से लिखेंगे वो मैं आपको अभी बताता हूँ। उसके बाद लिखा हुआ इन्वेस्टमेंट जो है वो लिखा हुआ है 40,000 इन्वेस्टमेंट था, जबकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में जो था वो था 1,000, और वहीं पर प्रोविजन फॉर बैड डेट जो है वो रिड्यूस यानी कम हो गया है, जैसे कि पिछली क्लास में आपने देखा था वो है 1,000। तो हम करेंगे क्या, और एक चीज़ गिवन है इसकी ज़रूरत हमें यहाँ नहीं पड़ेगी। देखिए ये मैंने यहाँ पर इसको डबल इनवर्टेड कॉमा में इसलिए लिखा है कि आप इसको समझें। मधुर वॉज पेड इन कैश 10,300, यानी मधुर को 10,000, देखो एक बात समझना, मधुर जो है यही रिटायर हो रहा है, मैंने यहाँ पे क्रॉस बनाया, इसका मतलब होता है कि ये रिटायर हो रहा है। मधुर को 10,300 रुपये कैश में दे दिया गया, बैलेंस जो है वो ट्रांसफर हो गया इसके लोन अकाउंट में, ठीक है ना, जिसको इंस्टॉलमेंट में पेड करना होगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरह से, है ना। लेकिन उसके पहले जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जरूरत है पहले उसको समझ लेते हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ ली है, अब इसको करना क्या है, हम बनाना शुरू कर चुके हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आप एक चीज देखेंगे, यहां पर लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स रिड्यूस बाई 1,000, तो हम यहां पर क्या करेंगे, रिड्यूस हो गया है, कम हो गया है, मतलब हमें अब ये क्रेडिट की तरफ लिखना है। तो हम सबसे पहले इसको लिख लेंगे इस तरह से, बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स लिख लिया, कितना, दिस विल बी 1,000, ठीक है, ये 1,000 लिख दिया। उसके बाद हम देखेंगे डेबिट साइड में हमें क्या क्या लिखना है।
तो डेबिट साइड में कहा गया, सबसे पहले आपको बताया गया कि देखेंगे क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 6000। तो हम क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 6000 है और हमारे पास कोई वर्कमैन कंपनसेशन का फंड तो है नहीं, कुछ हमारे पास है नहीं कि जहां से हम उसका उसकी भरपाई कर सकें। तो हमें डायरेक्टली इसको लिखना है कहां पर, डेबिट साइड में, क्योंकि हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है। तो हम करेंगे क्या, यहां पर क्या लिखेंगे, देखिए टू, डब्ल्यू फॉर वर्कमैन, सी फॉर कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, कितना 6000 हम यहां पर लिख देंगे, यानी कि टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। उसके बाद हम यहां पर एक चीज और लिखेंगे, मैं आपको समझाता हूं पहले क्या लिखेंगे। आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट ब्रॉट डाउन 15000, इन्वेस्टमेंट था एक्चुअली कितना, इन्वेस्टमेंट पहले था 40000, अब कह रहे हैं 15000 हो गया है, ठीक है ना। तो पहले तो 10000 जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में है उसको यहां पर, अच्छा एक बात मैं आपको समझाता चलूं, अगर ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो है वो यूज ना होता तो क्या होता, आपको पता है जनरल रिजर्व की तरह, जैसे जनरल रिजर्व होता है उसे ठीक उसी तरह से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को हम डेबिट कर लेते और पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट कर देते, ठीक है ना। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर इसका यूज हो जा रहा है, यूटिलाइज हो जा रहा है, इसलिए ये एज इट इज रहेगा, इसको कुछ नहीं करेंगे, फिनिश हो जाएगा यहीं पर। 40000 था ये, इसमें से 10000 हम माइनस कर लेंगे तो बचेगा ये 30000 यानी 30000। उसके बाद आप कह रहे हैं अब हो गया है 15000, तो इसमें से 15000 हम घटा लेंगे तो अब जो है ये जो 15000 है वो एक तरह से आपका डिक्रीज हो गया। क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, किस चीज में, एसेस में। और जब एसेस आपका डिक्रीज होता है तो हम डेबिट साइड में लिखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में, फिर वही हम करने जा रहे, कुछ करना नहीं है। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट हम यहां पर लिख लेंगे और ये कितना लिख लेंगे, कितना रिड्यूस, 15000, 15000। अब इधर डेबिट साइड में दिखाने के लिए कुछ है नहीं तो हम यहां पर लिख देंगे 21000, ठीक है ना, 21000 हमने दोनों को जोड़ करके लिख दिया। उसके बाद आप यहां पर लिखेंगे, चूंकि मैंने एक चीज आपको बताई थी कि डेबिट जब एक्सीड हो जाता है किससे, क्रेडिट से, तो लॉस होता है, क्रेडिट जब एक्सीड हो जाता है डेबिट से तो प्रॉफिट होता है। तो यहां पर डेबिट जो है वो ज्यादा हो गया, डेबिट 21000 है जबकि क्रेडिट में सिर्फ और सिर्फ 1000 है, तो रिवैल्यूएशन पर लॉस जो हुआ बच्चों वो हुआ 20000 का। अब इस 20000 को हम क्या करेंगे, इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें, पार्टनर्स में, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो हम करेंगे क्या, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स है कौन, इनके नाम आप देख लो, ललित, मधुर और नीना, ललित, मधुर और नीना, ये तीन पार्टनर्स हैं। अब हम करेंगे क्या, देखेंगे लॉस कितना है, 20000 का लॉस है, तो यहीं पर कैलकुलेशन समझ लेते हैं। ये 20000 का लॉस है, 20000 का हम निकाल लेंगे, ये मैंने आपको बताया था, ये जीरो सारे कैंसिल कर दो आप, तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि 5:3:2 हो गया, ठीक है ना। तो आप पहले 5/10 कर लोगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और 2000 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ये आपका 10000, ठीक है ना। तो इस 10000 को हम लिख लेंगे कहां पर, ललित पर। उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई कर लो 2000 का तो ये 6000 हो जाएगा बच्चों। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा आपका 4000। अब इनको टोटल कर लोगे तो दिस विल बी नाउ 20000। अब यहां पर आप इसको दिखा देंगे तो ये हो जाएगा, टोटल कर लेंगे हो जाएगा 21000। अब क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बन करके आपका रेडी हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट आप समझ भी गए, सारे स्टेप्स मुझे उम्मीद है कि आपने फॉलो किए होंगे और समझे होंगे। नहीं समझ में आए तो एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए उम्मीद करता हूं आपने अब तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हमको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जहां पर कहा गया है, क्या कहा गया देखिएगा, ये मैंने डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखा है, आपके लिए जरूरी है कि मधुर जो है वस पैड इन कैश 10,300, यानी मधुर को जो पार्टनर रिटायर हो रहा था उसका जो बन रहा था, उसका हिस्सा बन रहा था, उसमें से 10,300 उसको कैश दे दिया गया और बाकी अमाउंट जो था उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया, उसको इंस्टॉलमेंट में दिया है। तो क्या दिया है उस सीन को हम समझाएंगे, उसके पहले सारी एंट्रीज आपको पास करके बताएंगे किस तरह से एंट्री पास होगी, फिर उसके बाद उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ आपको पोस्ट करना रहेगा। तो आइए देखते हैं एंट्रीज।
तो अब बच्चों आपने बना लिया है, अब तक आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनकर के तैयार हो चुका है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में जानने के लिए कुछ नहीं बचा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के जस्ट बाद हम लोग शुरू कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले मैंने कुछ और इन्फॉर्मेशन इसमें, ये जो गिवन मैंने लिखा था इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन मैंने ऐड की है। उस इन्फॉर्मेशन की मदद से हम कुछ और इंट्रीज पास करेंगे, फिर वो इंट्रीज जो होंगी उसे हमें सिर्फ और सिर्फ लेजर में ले जाके पोस्ट करना होगा। किसके लेजर में? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम बनाएंगे यानी पार्टनर्स के लेजर में। तो उसके बाद हमें क्या करना है, उसके पहले हमें इन कैलकुलेशंस को समझ लेना है, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ पोस्ट करना रह जाएगा। तो आइए देखते हैं कि क्या गिवन है, उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको बताऊंगा जब आपको बताना होगा मुझे पार्टनर्स लोन अकाउंट जब बनेगा। तो सबसे पहले हम अमाउंट देखेंगे किस चीज का गुडविल जो वैल्यूड हुई है। तो गुडविल वैल्यूड हुई है, यहां पे समझते चलते हैं, काफी कैलकुलेशन आपको देखना है। 51,000 है इसका, जो बंदा है मधुर रिटायर हो रहा है, तो इसका 3/10 हम करेंगे, 0 से 0 कैंसिल होगा, 51,000 है ये, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 3 0 3 1 3 3 5 15, ये आ गया 15,300, यानी 15,300 ये अमाउंट आ गया। अब इसको समझना क्या है, 15,300 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ललित और नीना जो बचे हुए कंटिन्यूइंग पार्टनर है इनके रेशियो में, क्योंकि कुछ अलग से इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं गिवन है। तो ये लोग इसको कंट्रीब्यूट करेंगे 5:2 में, ठीक है ना। तो अब हम 15,300 का 5:2 निकालेंगे, मधुर को छोड़ देंगे। तो 5:2 क्या होता है, ये हम कर देंगे, पहले निकालेंगे 5 इसका, सबसे पहले ललित का, L फॉर ललित, 5/7 कर देंगे, 5 और 2 को जोड़ेंगे 7 आएगा, तो 5/7 कर देंगे। तो चूंकि यहां पर कैलकुलेशन में थोड़ा सा इश्यू होगा, तो पहले आप मल्टीप्लाई कर लो, आप मल्टीप्लाई करो किसका, 15,300 का मल्टीप्लाई करो 5 में, तो यहां पर 5 0 0 5 0 0 5 3 15, तो 1 कैरी आ गया, 5 5 25, 1 कैरी जोड़ोगे 26, 2 आ गया, 5 1 5, 2 जोड़ दो 7, हो गया 76,500। अब इसको डिवाइड करो आप 7 में, 7 से बहुत इजी वे में 7 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ये कैलकुलेशन बहुत आराम से देखना, इन बिना इस कैलकुलेशन के तुम्हें अमाउंट समझ में आने वाला नहीं है। तो क्या करेंगे हम, देखो 7 वनजा होता है 7, ठीक है, 7 वनजा 7 हमने यहां पर लिख दिया एज इट इज, ये कट गया, फिर हमने यहां पर 6 नीचे उतार लिया, तो ये जो 6 है ये 7 ज्यादा हो रहा है, तो एक हम डिजिट और यहां पर उतारेंगे, लेकिन 0 भी यहां पर साथ ही साथ बढ़ा लेंगे, तो हमने 5 लिख लिया यहां पर 7। अब जो है आप टेबल पढ़ेंगे 7 का, तो 7 9 होता है 63, यानी 63, 7 9 63 आपका आ गया, तो 5 से 3 जाएगा 2 आएगा, ये कट जाएगा। अब एक डिजिट हम और यहां पर उतार लेंगे, तो 7 2 14 होता है, 2 टाइम जाएगा, तो 7 2 14, हमने यहां पर 14 लिख दिया, यहां पर आ गया कितना 6, उसके बाद 10 और हमने यहां पर बढ़ा लिया, उसके बाद करेंगे क्या, 7 8 ये जाएगा, ठीक है ना, 7 8 कितना होता है 56, ये हमने 56 लिख लिया यहां पर, तो 56 ये बचा 4। अब यहां पर आगे 0 नहीं है, दोनों 0 हमने इस्तेमाल कर लिए हैं, तो 4 नहीं है, तो यहां पर लगेगा पॉइंट, यहां पर 0 बढ़ेगा, तो पढ़ेंगे टेबल तो 7 5 35 होता है, ठीक है ना, तो 7 5 35, ठीक है, तो 35 हमने कर लिया और ये हो गया 6, फिर ऐसे आता ही जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम एक और बढ़ा लेंगे, हम इसको मान लेंगे 10,928, ठीक है ना, इसको हम कितना मान लेंगे, 10,928 की जगह पे, सॉरी इसको हम मान लेंगे 29। अब इसमें से 29, अब टोटल था कितना, 15,300 था, तो इसमें से हम क्या करेंगे, 10,929 हम कर लेंगे माइनस, ठीक है, 10 से 9 जाएगा तो 1 आएगा, फिर 9 से 2 जाएगा तो ये 7 आएगा, ठीक है, 12 हो गया यहाँ पे, 12 से 9 जाएगा तो 3 आएगा, यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर 0, ये जो 4,371 आया है ये हो गया किसका, नीना का। अब हम करेंगे क्या, इंट्री आपको बता देते हैं हम, इंट्री क्या बनेगी, देखिए ललित और नीना दोनों को हम डेबिट कर लेंगे, क्योंकि ये है कंटिन्यूइंग पार्टनर, और जो रिटायरिंग पार्टनर मधुर है उसके कैपिटल को हम क्रेडिट कर लेंगे। हम इंट्री कैसे बनाएंगे, इंट्री आप ध्यान से देखेंगे और नोट करते रहेंगे, आप लिखेंगे ललित कैपिटल अकाउंट डेबिट, आप इसको बहुत अच्छे से प्रोफार्मा बना के करेंगे, उसके बाद नीनाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये रिटायरिंग पार्टनर कौन है, मधुर, तो यहां पर लिखेंगे टू मधुर्स
कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, मधुस कैपिटल अकाउंट आपने लिख दिया। अब इसको आपको समझना है क्या यहां पर सीन बन रहा है। देखेंगे ये अमाउंट जो है 10,929, ये आप ललित के कैपिटल में लिख लेंगे 10,929, वहीं पर आप 4,371, ठीक है ना, यहां लिख लेंगे, जबकि 15,300 यानी 15,300 आप लिख लेंगे कहां पर, मधुर को इससे क्रेडिट कर देंगे। तो ये एंट्री एक बन गई। अब इसको देखिए, मैं सारे सीन को आपको समझाते हुए चल रहा हूं ताकि आप प्रॉपर वे में वहां पर पोस्ट कर सके आप अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये एंट्री आप देखेंगे, अगर देखेंगे ललित और नीता ये दोनों डेबिट हुए हैं, मधुर क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। तो अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मधुर के अपोजिट में कौन है, ललित है और नीना है। तो हम लिखेंगे बाय ललित और बाय नीना लिखेंगे, लेकिन जो अमाउंट लिखेंगे वो लिखेंगे मधुर के हिस्से में, यानी कि मधुर के कॉलम में, ठीक है ना। और जबकि मधुर को जो हम करेंगे इनको, इन लोगों के अकाउंट को जब इनके अकाउंट की तरफ जाएंगे तो इनके अपोजिट में मधुर है, तो मधुर को इनके अकाउंट में दिखाएंगे टू में, यानी डेबिट साइड में। लेकिन जो कॉलम यूज करेंगे, कॉलम किसका, ललित का और नीना का। तो ये बात समझे आप, इनके इनको जब दिखाएंगे तो डेबिट साइड दिखाएंगे, और कॉलम इनका जो दिखाएंगे वो इनका, ललित का और नीना का दिखाएंगे। वो अभी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये बात हो गई, ये आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं, यहीं पर एंट्रीज पास करते हैं, वहां पर सिर्फ आपको लेजर में दिखाना होगा ये चीज। देखेंगे गिवन है, ये हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है आपका पीएल अकाउंट एसेट साइज में गिवन है। पिछली क्लास में भी मैंने यही बताया था, इत्तेफाक ऐसा था कि पीएल अकाउंट एसेट साइड में गिवन था। अगर वो लायबिलिटी साइड में गिवन होता पीएल अकाउंट, तो उसको हम जनरल रिजर्व की तरह ट्रीट करते, जिससे जनरल रिजर्व को हम ट्रीट करते हैं, उसको डेबिट कर लेते हैं, पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट कर लेते हैं। उसी तरह से पीएल अकाउंट को हम डेबिट करते और पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करते। लेकिन चूंकि ये एसेट साइड में, बैलेंस शीट में किधर दिया हुआ है, एसेट साइड में, तो इसको पीएल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे। उसके बाद गुडविल ऑलरेडी अपीयर, वो ये जो गुडविल है ये वैल्यूड गुडविल थी जो अभी आपने एडजस्टमेंट किया, और गुडविल जो ऑलरेडी अपीयर है इसको भी हम क्रेडिट करते, क्रेडिट में लिखते और पार्टनर्स कैपिटल को हम डेबिट कर लेते हैं। तो आइए ये कैलकुलेशन भी समझ लेते हैं क्या सीन क्रिएट होगा। सबसे पहले पीएल अकाउंट हम देख लेते हैं, कौन पार्टनर, तीन पार्टनर है, ठीक है ना। आप देखेंगे इसको लिखते रहेंगे आप प्रॉपरली, ललित कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद मधुर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। आपको कंजूसी नहीं करनी है, मैं आपको समझा रहा हूं टाइम बचाने के लिए, मैंने कैपिटल को सीएपी का लिख दिया है, आपको पूरा लिखना है, ठीक है। नीनाज कैपिटल अकाउंट भी डेबिट, फिर क्या है, पीएल अकाउंट आपने यहां पर लिख दिया टू पीएल अकाउंट, कितना पीएल अकाउंट में गिवन है, ये 10,000 गिवन है, ठीक है ना। यहां पर हम दिखा देते हैं 10,000 गिवन है। उसके बाद करना क्या है आपको, इस 10,000 का इसी रेशियो में इसको बांट देना है। हमने लिख दिया 10,000 का हमने निकाल दिया 5/10, 3/10 और 2/10। 5/10 हम निकालेंगे तो 1000 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 5000, और फिर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000, और वहीं पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2000। समझ पा रहे हैं आप, तो ये चीज, ये कैलकुलेशन हो गया। अब इसी तरह से हम देखेंगे गुडविल को भी, जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर, यानी ये कहां पे दी हुई है, बैलेंस शीट में दी हुई है। फिर से हम एंट्री पास करेंगे, क्या एंट्री पास करेंगे, ललित कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद मधुर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और उसके बाद नीनास कैपिटल अकाउंट भी हो गया है क्या, ये भी आपने लिख दिया डेबिट। टू हमने कर लिया गुडविल, टू गुडविल अकाउंट। अब गुडविल अकाउंट में कितना गिवन है ये आपको समझना है, गुडविल अकाउंट में कितना गिवन है, 20,000। अब 20,000 का भी हम इसी रेशियो में बांट देंगे इसको, 20,000 को क्या करेंगे, 20,000 का हम निकाल लेंगे सबसे पहले 5/10, 0 से 0 कैंसिल होगा, 2000 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 10,000। कितना आएगा बच्चों, 10,000 आएगा। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो आएगा कितना,
टू थ्री जा 6,000 फिर टू टू जा 4,000। अब इसके बाद हम देखते हैं, ये हमें कैलकुलेशन समझ में आ गया। अब देखो ये जो चीजें हमें क्या करना है, हमको इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ले जाके सिर्फ पोस्ट कर देना है, ऐसे एज इट इज लिख देना है, कुछ नहीं करना है। क्या करेंगे, लिखा हुआ है 2PL अकाउंट, ठीक है ना। तो इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्या करते हैं, 2PL अकाउंट में डेबिट साइड में हम दिखा देंगे। उसके बाद इतने अमाउंट से इनके जो कॉलम्स होंगे उनमें इतने अमाउंट हम लिख देंगे। किसको किसको लिख देंगे, 5,000 ललित के कॉलम में, 3,000 मधुर के कॉलम में, और नीना के कॉलम में कितना, 2,000। समझ में आ गई, ऐसे एज इट इज यहां करेंगे। 10,000 लिख देंगे ललित के कॉलम में, मधुर के कॉलम में 6,000 लिख देंगे, और नीना के कॉलम में 4,000 लिख देंगे। और टू गुडविल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू गुडविल, यानी कि डेबिट साइड में दोनों लिखना है, ये भी लिखना है। आगे बस समझ में। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो हम आपको एंट्री बताने जा रहे हैं सबसे लास्ट में, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्या इंपॉर्टेंट है आप देखेंगे, सबसे पहले इस स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है जो मैंने खास तौर पर आपके लिए लिखा है, और डबल इनवर्टेड कॉमा में इसको लिखा है। लिखा हुआ है मधुर वॉज पेड इन कैश 10,300, यानी मधुर को 10,300 कैश दिया गया। तो 10,300 जो कैश दिया गया, इसके लिए क्या एंट्री बनेगी, याद रखिएगा, जैसे अभी पिछली एंट्रीज आपने देखी है वैसे ही ये भी एंट्री है। इसको भी हमें पार्टनर्स कैपिटल वाले लेजर में पोस्ट करना है। जब आप किसी को कैश देते हो तो क्या एंट्री पास करते हो, आप देखना, मधुर चूंकि पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट द रिसीवर, क्या करोगे आप, इस तरह से एंट्री पास कर लोगे, मधुर्स कैपिटल अकाउंट हो गया है डेबिट टू क्रेडिट, व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है आपके पास से, कैश अकाउंट, यानी कैश इनको दिया गया है कितना, 10,300। अब ये एंट्री तो आपने पास कर लिया। अब आपको समझना है कि एक्चुअली मधुर के पास था कितना अमाउंट। अब जब ये आप समझ जाएंगे कि मधुर के पास एक्चुअली अमाउंट कितना था, तब ये समझ में आएगा कितना और देना है। देखो कैसे, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं, इन्होंने कहा है कि 10,300 कैश में दे दो, और जो बैलेंस है, बैलेंस ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट पेएबल इन टू इक्वल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट 12% पर एनम। कहा गया है कि मधुर को 10,300 रुपए आप कैश में दे दीजिए, और जो बाकी बचेगा उसको आप दो इक्वल इंस्टॉलमेंट में देंगे पर एनम पर, यानी 15, मतलब आप कह सकते हैं कि आधा जितना भी अमाउंट होगा उसका आधा आप एक साल में देंगे, अगले साल में भी उतना ही अमाउंट देंगे, यानी टू इक्वल इंस्टॉलमेंट में। अब ये पता कैसे चले कि एक्चुअल अमाउंट है कितना, आओ देखो कैसे पता चलेगा आपको, मैं बता दूं कि मधुर का जो बैलेंस शीट में अमाउंट गिवन है दैट इज 40,000। हम लिख लेते हैं मधुर का अमाउंट जो बैलेंस शीट में गिवन है कैपिटल, वो है 40,000। उसके बाद मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए यहां पर लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप देखेंगे सबसे पहले गुडविल एडजस्टेड, इससे 15,300 से इनको फिर क्रेडिट किया। अभी मैंने एंट्रीज आपको बताई है, भूलना नहीं है, 15,300 से ये क्रेडिट हुए क्योंकि ये रिटायरिंग पार्टनर हैं, और जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उन्होंने कंट्रीब्यूट किया और इनको क्रेडिट किया गया 15,300 से। तो जो क्रेडिट हुआ है उसको हम इसमें प्लस कर लेंगे, ये हो गया आपका 15,300 रुपए का अमाउंट हो गया, इसको आप जोड़ लीजिए, ये क्रेडिट अमाउंट था, ठीक है। तो 3, 5 और ये 5 कितना हो गया 55,300 ये अमाउंट आ गया। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको पता है वो क्रेडिट हुआ था, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हुआ था, गुडविल क्रेडिट हुआ था, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हुआ था। तो ये जो 15,000 डेबिट वाला अमाउंट है ना, डेबिट को हम घटा लेते हैं, यहां पर हम लिखेंगे 15,000, ठीक है ना, 15,000 और ये अमाउंट डेबिट हुआ था, तो जब घटा लेंगे तो कितना बचेगा, आप देखो बचा कितना 40,300, कितना 40,300 से इन्होंने कितना दे दिया है पैसा, वो पैसा दे दिया है 10,300 कैश में। अब जो बचा उसकी हम इंट्री पास कर लेंगे यहीं पर, और समझ लेंगे इंट्री पास करके उसको हम पार्टनर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कौन है हम इंट्री पास करेंगे यहां पर, देखिए आप एंट्री पास करेंगे मधुर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मधुर्स लोन अकाउंट। अब मधुर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मधुर्स लोन अकाउंट, कितना लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ये होगा 30,000 जो अमाउंट यहां पर बचा है, 40,300 इनको देना था, 10,300 उन्होंने कैश दे दिया, बचा कितना 30,000, 30,000 को दो इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है टुगेदर विद 12% इंटरेस्ट, ठीक है ना, किसके साथ लिखा हुआ है साथ, टुगेदर विद इंटरेस्ट 12% पर एनम। तो ये इंटरेस्ट के साथ हम देंगे, वो तो हो गई बात की बात कब, लेकिन उसके पहले हमें जरूरत है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए, तो आइए देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो डियर स्टूडेंट्स, अब सारी एंट्रीज आप समझ चुके हैं, लेजर में सिर्फ और सिर्फ हमें पोस्ट करना, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उन एंट्रीज को सिर्फ और सिर्फ
पोस्ट करना है। कैसे करना है आपको समझा रहा हूं मैं। देखिए, मैंने ये पार्टनर्स कैपिटल, चूंकि मैंने सारी एंट्री आपको बता दी है ऑलरेडी, इसलिए मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ आपको समझाना है कि किस तरह से पोस्ट हुआ है। आइए देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे बाई बैलेंस बीडी में लिखा हुआ है, आपको ये अंडरस्टूड है पहले से ही, आप जानते हैं ललित के कैपिटल में जो पहले बैलेंस शीट में गिवन था वही अमाउंट 50,000 गिवन था, 50,000 हमने एज इट इज लिख दिया, 40,000 मधुर का था वो भी हमने एज इट इज लिख दिया, नीना का 25,000 था वो भी एज इट इज लिख दिया। ये क्या है, बाई ललित कैपिटल अकाउंट बाई नीनास कैपिटल अकाउंट, ये वो अमाउंट है। मैंने कहा था देखिए बाई में लिखेंगे लेकिन कॉलम जो है वो मधुर का यूज करेंगे। 10,929 यानी 10,929 मैंने कैलकुलेशन करके आपको बताया है, और 4,371 इसका भी कैलकुलेशन मैंने करके आपको बताया है। ये चीजें हो गई किधर, क्रेडिट साइड में। आप इधर इस तरफ इसको दिखा लीजिए, डेबिट साइड शायद मैं लिखना भूल गया हूं जल्दी जल्दी में, क्रेडिट साइड में ये चीजें हो गई। ठीक है, अब इसको क्या करना है, अब इधर के लिए कुछ बचा नहीं तो हमने इसको टोटल कर लिया, कितना ये आ गया 25,000 आप देखेंगे नीना का है, और मधुर का टोटल 55,300 है, और ललित का टोटल 50,000 है। अब हम आ जाएंगे डेबिट साइड में, देखेंगे डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी मैंने एंट्री पास करके बताई है आपको कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हुआ था बच्चों वो हुआ था डेबिट, और वहीं पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हुआ था क्रेडिट। वजह मैंने बताई थी उसकी, क्योंकि एसेट साइड में गिवन था बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसलिए हमने ऐसा किया था। तो हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो 10,000 वो अमाउंट था पीएल अकाउंट में, तो 5,000 ललित और मधुर का, 3,000 और नीना का हो गया था 2,000। तो हमने यहाँ पर टू प्रॉफिट एंड लॉस ये अमाउंट दिखा दिए हैं। उसके बाद टू गुडविल अकाउंट, गुडविल के लिए भी मैंने बताया था गुडविल थी 20,000, जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर थी, जो वैल्यूड हुई थी उसका एडजस्टमेंट ये हो गया है, ठीक है ना। जो ऑलरेडी अपीयर थी वो थी 20,000, जिसको 10,000 ललित के अकाउंट में और मधुर में 6,000 और वहीं पर नीना के अकाउंट में आप 4,000 दिखा देंगे। बात करेंगे रिवेल्यूशन पर लॉस की, तो रिवेल्यूशन अकाउंट पर जो लॉस हुआ था दैट वाज आल्सो 20,000, हम उसको भी एज इट इज बांट देंगे। 10,000 लॉस किसको गया था, ललित को, और 6,000 लॉस हुआ था मधुर को, नीना को हुआ था 4,000 का। उसके बाद टू मधुस कैपिटल अकाउंट मैंने बताया था, लेकिन मधुस कैपिटल अकाउंट ये कौन सा वाला, यही इंट्रीज जो हुई थी, ललित कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ था, नीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ था, और वहीं साथ ही साथ मधुस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ था। क्यों, क्योंकि जो आपके कंटिन्यूइंग पार्टनर होते हैं वो होते हैं डेबिट, वहीं पर रिटायरिंग पार्टनर जो होते हैं वो होते हैं क्रेडिट। तो हमने क्या किया था, यहां पर देखिए लिखा है यहां पर टू मधुस कैपिटल अकाउंट, जबकि अमाउंट जो लिखा हुआ है ललित के अकाउंट में 10,929 और यहीं पर नीना के अकाउंट में 4,371 दिखा दिया गया। उसके बाद लिखा हुआ टू कैश अकाउंट, देखेंगे लिखा हुआ 10,300 मधुर। मैंने यहां पर आपको पढ़ के बताया था कि मधुर को जो थे 10,300 उनको कैश पेड कर दिया था, उनका टोटल निकल रहा था वो भी हमने निकाल करके आपको बताया था, टोटल कितना निकल रहा था उनका 40,300 निकल रहा था, यानी 40,300 उनका अमाउंट निकल रहा था जब वो रिटायर हो रहे थे, जिसमें से 10,300 उनको कैश दे दिया गया था। आपने एंट्री पास किया था वही क्लास 11th में जो आपने पढ़ा हुआ है, डेबिट द रिसीवर कौन, पर्सनल अकाउंट की बात हो गई, वहीं पर आपने पढ़ा हुआ है रियल अकाउंट जब आप पढ़ते तो उसमें पढ़ते हैं क्रेडिट व्हाट गोज आउट ना, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो जो उसमें गोज आउट पढ़ा था वो कैश हो गया था। आपने लिखा था क्या लिखा था, मधुस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो अब उसके अपोजिट में मधुर के अपोजिट में कौन था, कैश था। तो हम क्या कर लेंगे, टू कैश अकाउंट 10,300 यहां पर दिखा दिए, बाकी जो अमाउंट बचा था मैंने आपको कहा था उस अमाउंट को आप ललित के कैपिटल में ट्रांसफर कर, सॉरी ललित के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो उसमें क्या किया था आपने, आपने वहां पर मधुर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया था टू मधुर्स लोन अकाउंट, तो यही पे ये सीन यहां पर हुआ है, टू मधुर्स लोन अकाउंट में आपने 30,000 दिखा दिया। अब इसको टोटल करेंगे तो ये आएगा 55,300, इनका काम फिनिश हो गया 55,300। लेकिन नीना की बात करें, अगर ललित की बात करें तो ये आप बैलेंसिंग फिगर जब आप करेंगे आप देखेंगे तो यहां पर 14,071 अमाउंट ये आएगा, और नीना का जो आएगा वो 10,629 यानी 10,629 ये आपका बैलेंसिंग फिगर इन दोनों का आ जाएगा, टोटल कर देंगे आप तो 50,000 और इस तरह से अमाउंट बन जाएगा। तो ये था आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद जो हम चलने जा रहे हैं वो हम बनाएंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट, और कौन कौन से पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना है, वो पार्टनर जो है उसका नाम है मधुर, और लोन अकाउंट बनाना कैसे ये भी मैं समझा दूं। कहा गया है जो 30,000 रुपए बचे हैं, 10,000 उनको देना कितना था, 40,300 देना था, 10,300 आपने कैश दे दिया, अभी 30,000 आपको और देना है,
और कैसे देना है, वो इंस्टॉलमेंट में देना है, टू इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको देना है विद इंटरेस्ट ऑफ 12%। देखो इंटरेस्ट गिवन है 12% देना है आपको टू इक्वल इंस्टॉलमेंट में। तो टू इक्वल इंस्टॉलमेंट 30,000 का कितना हुआ, 15,000 हुआ। अब 15,000 देना है लेकिन 12% इंटरेस्ट के साथ। तो आइए देखते हैं मधुर का लोन अकाउंट बनाते हैं। तो बच्चों सबसे लास्ट में अब आप पढ़ेंगे लोन अकाउंट, कितना इजी है मैं आपको समझाता हूं। ये है मधुर्स लोन अकाउंट। इसमें कहा गया था 30,000 का दो इक्वल इंस्टॉलमेंट यानी 15,000 होगा, और ये भी लिखा था पर एनम यानी एक साल में, मतलब एक साल जो आपके पास वो पैसा रहेगा उस पर इंटरेस्ट लगेगा कितना, 15%, सॉरी माफ कीजिएगा, ये इंटरेस्ट आपका है 12%। तो सबसे पहले हम देखेंगे कब, 2013 अप्रैल फर्स्ट में हमने देखा मधुर का कैपिटल जो था वो था 30,000। कितना था, 30,000 था। अब इस 30,000 पर हमने 12% इंटरेस्ट लगाया मार्च 31st को, कब, जब एक साल पूरा हो गया। हम 30,000 इस तरह से लिख लेंगे, देखिए 30,000 इस पे हम 12% इंटरेस्ट लगा लेंगे अपॉन 100, 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा 300, 300 में आप 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा 3600। तो अब इस 3600 को हमने इंटरेस्ट लगा दिया, कब, जब एक साल पूरा हो गया। अप्रैल फर्स्ट अप्रैल को कितना था ये, सिर्फ और सिर्फ 30,000 था, जब मार्च 31st आ गया तो 3600 रुपए यानी 3600 रुपए हमने लगा दिया इंटरेस्ट। तो टोटल कितना हो गया, 33,600 हो गया। हमको करना क्या है, देखिए पहला इंस्टॉलमेंट इनको पे करना है, अब कब, 2014 यानी 2014 को कब करना है, ये आपके मार्च 31st को करना है। तो क्या किया हमने, देखिए हमने इसको कर दिया 2014 मार्च 31st को, इसको 15,000 और 3600 रुपये जो इंटरेस्ट लगा था उन दोनों को हमने मिला दिया और टोटल पेमेंट कर दी। एंट्री क्या पास हुई होगी, मधुर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है ना। तो क्या हो गया ये, आप देखिए 18,600 इनको पेमेंट हो गई। अब बचा कितना, इतनी पेमेंट हो गई तो अब बचा 30,000 का मामला था, अब 15,000 वो ले गया विद इंटरेस्ट, अब बचा 15,000। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, और जो इस ईयर के लिए टू बैलेंस सीडी है 2014 के लिए, है ना, कब, 31st मार्च के लिए, वही 2014 फर्स्ट अप्रैल के लिए बाय बैलेंस बीडी हो जाएगा, दैट विल बी 15,000 एज इट इज। अब 15,000 का जब आप निकालेंगे इंटरेस्ट कब, 31st मार्च को, तो ये इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, जाहिर सी बात है इंटरेस्ट आ जाएगा 1800। कितना आ जाएगा, 1800। आप निकाल के देख भी सकते हैं बहुत इजी वे में, आप लिखेंगे यहां पर 15,000, इसका आप निकालेंगे 12% अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये बचा 150, 12 से आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। 12 0 0 12 5 60 होता है, तो 0 आप लिख लीजिए, 6 आएगा, 12 1 12, तो यहां पर 6 उसमें जोड़ लीजिए, तो कितना हो गया 18, कितना हो गया 1800 ये अमाउंट आ गया। अब आपने जोड़ा टोटल कितना हो गया, 16,800 हो गया। 16,800 जो हो गया टोटल, इसको आपको पे करना है कब, 2015 में मार्च 31st को, यानी दूसरे साल में। तो अब आपने यहां पर वही एंट्री पास कर ली, मधुर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो क्या कर दिया, 16,800 ये पूरा आपने अमाउंट जो है इनको पे कर दिया, यानी टू बैंक करके आपने पे कर दिया। ये अमाउंट कितना आ गया, 16,800 ये पे हो गया, और इस तरह से ये भी आपका लोन अकाउंट जो था, पार्टनर्स लोन अकाउंट जो है वो भी फिनिश हो गया। आपको यकीनन कुछ ना कुछ जो बहुत मुश्किल काम था वो इस बार जब 30% आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है, वो उसमें आप बहुत सारी चीज़ों से बच गए, है ना। बट इट डजेंट मीन कि आपको उसको जानना नहीं है, जानना बहुत ज़रूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, क्लास कैसी लगी फीडबैक में ज़रूर बताया करो, बहुत ज़रूरी होता है ये, हमें आइडिया लग जाता है कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लेना, दोस्तों में शेयर कर लेना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।